हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि अगर आप लोगों का 12th स्टैंडर्ड फिनिश हो चुका है, 12th कॉमर्स हो, चाहे 12th साइंस हो या चाहे 12th आर्ट्स हो, तो आप सभी लोग के लिए जो नेक्स्ट एडमिशन प्रोसेस रहेगी, यानी कि जो बैचलर कोर्सेज होते हैं उसकी जो पूरी एडमिशन प्रोसेस है ना, वो आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को समझाने वाला हूँ। अगर आप बीकॉम करना चाहते हो, बीबीए करना चाहते हो, बीएससी है, बीए है, एमबीए है, बीबीए, सारे के सारे कोर्सेज का रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। और आपको एक चीज बता दो कि इस बार जो एडमिशन होने वाला है उसमें टोटल 14 यूनिवर्सिटीज का कॉमन एडमिशन पोर्टल बना है, यानी कि 14 यूनिवर्सिटी मिल करके एक कॉमन एडमिशन जो पोर्टल है वहां से आपको करना होगा, फॉर्म फिल करना होगा। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको पूरा फॉर्म कैसे फिल करना है, उसकी क्या प्रोसेस रहेगी, एज वेल एज मैं आपको बता दूं 2752 कॉलेजेस का भी पूरा रजिस्ट्रेशन चालू हो चुका है और 653 कोर्सेज जो है अलग-अलग तरह के यहां पे बताए गए हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसकी पूरी एडमिशन प्रोसेस कैसे करनी है और इसका कैसे पूरा रजिस्ट्रेशन आपको करना रहेगा। फिलहाल पे क्विक रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस शुरू हो गई है। तो सबसे पहले अगर आपके पास मोबाइल है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, आप अपने मोबाइल लैपटॉप कंप्यूटर में गूगल क्रोम ओपन कर लो। गूगल क्रोम ओपन करते ही आप यहां पे सर्च करो गुजरात कॉमन एडमिशन सर्विसेज, या तो फिर आप सर्च कर सकते हो GCAS। ठीक है, आप जैसे ही सर्च करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का पूरा पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको जो पहली लिंक है गुजरात कॉमन एडमिशन सर्विसेज उस पे क्लिक करना है। तो उसकी जो पूरी वेबसाइट है ना, वो आपके सामने ओपन हो जाएगी। अब जैसा कि मैंने कहा कि 14 से 15 यूनिवर्सिटीज साथ मिलकर के पूरा एडमिशन जो है वो यहां पे करने वाली है, तो कौन सी यूनिवर्सिटीज इसमें इन्वॉल्व है तो वो मैं आपको बता देता हूं। अगर मान लो आप VNSGU से हो, यानी कि वीर नर्मद साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो तो भी ये पूरा पोर्टल से आपको एडमिशन लेना है। गुजरात यूनिवर्सिटी से लेना चाहते हो तो भी ये पूरा पोर्टल रहेगा आपके लिए। फिर HNGU है, हेमचंद्राचार्य उत्तर गुजरात यूनिवर्सिटी है, फिर कांति गुरु श्यामजी कृष्ण वर्मा कच्छ यूनिवर्सिटी, देन आफ्टर हम बात करें तो सरदार पटेल यूनिवर्सिटी है, फिर सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी ले लो या सोमनाथ संस्कृत यूनिवर्सिटी है, देन आफ्टर श्री गोविंद गुरुजी यूनिवर्सिटी है, महाराज सयाजी राव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा ले लो, या IITE मतलब कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर एजुकेशन गुजरात, फिर BAOU ये वाली यूनिवर्सिटी ले लो, देन आफ्टर भक्त कवि नरसिंह मेहता यूनिवर्सिटी है, चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी और GTU गुजरात टेक्निकल यूनिवर्सिटी। तो आप सोच सकते हो कि जितनी भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी का पहले अलग अलग एडमिशन होता था ना, वो अब सबका एक साथ होगा। तो उसकी पूरी एडमिशन प्रोसेस क्या रहेगी ना, वो मैं बताने वाला हूं। तो आप लोग ने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना, क्योंकि आपको मैं हर एक अपडेट डिटेल में देने वाला हूं। आपका जब तक एडमिशन नहीं हो जाएगा ना, तब तक हमारी चैनल पे इसके रिलेटेड वीडियोस आते रहेंगे। तो सबसे पहले बात करें तो ये आपने जब पोर्टल ओपन कर लिया, तब आपको यहां पे जाके अप्लाई नाउ लिखा होगा ना, उस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरह से एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा, और ये जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है ना, उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में देके रखी है। सीधा आप उस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे रिडायरेक्ट हो जाओगे। तो यहाँ पे आपको क्या क्या चीजें फिल करनी रहेगी, अच्छा आपको बता दूं कि बहुत से बच्चे कंफ्यूज होंगे कि सर अभी तक रिजल्ट नहीं आया। तो देखो, आपका रिजल्ट आया है या नहीं आया हो, आपको ये क्विक रजिस्ट्रेशन तो फॉर्म फिल करना ही होगा। ये 1 अप्रैल से शुरू हो चुका है और अकॉर्डिंग टू माई न्यूज, यानी कि मेरे न्यूज के हिसाब से, मेरे को जहां तक पता है, जल्द से जल्द आप ये फॉर्म फिल कर लेना, भले बाद में जाके आपका डिसीजन चेंज हो जाए। यहाँ पे आपको कोई स्ट्रीम वगैरह सिलेक्ट नहीं करनी है, बट एक क्विक रजिस्ट्रेशन करना है कि आप अप्लाई करना चाहते हो कोई भी यूनिवर्सिटी में फॉर बैचलर कोर्सेज। तो सबसे पहले यहाँ पे देख रखा है कोर्स टाइप, आप कौन सा कोर्स करना चाहते हो। तो देखो, सिंपल चीज है, अगर आप यूजी यानी कि अंडर ग्रेजुएट कोर्स, यानी बीकॉम, बीए, बीसीए, बीबीए, सारे कोर्सेज अंडर ग्रेजुएट में आते हैं, सारे बैचलर कोर्सेज, फिर पीजी कोर्सेज यानी होता है पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज जिसमें बीएड भी आ जाता है, वो उस पर क्लिक करना होगा, और अगर पीएचडी करना है तो उसके ऊपर। तो अभी फिलहाल मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में। अब आपका जो 12th की जो मार्कशीट है, 10th 12th की मार्कशीट में जो आपका नाम होता है ना, वो आपको यहाँ पे लिखना रहेगा, फिर यहाँ पे आपको अपनी बर्थ डेट डालनी रहेगी, फिर आपको कैटेगरी डालनी है, फिर यहाँ पे आपको जेंडर डालना है, अपना ईमेल आईडी डालना है, मोबाइल नंबर डालना है। एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे आपका जो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर है ना, वही डालना जो एक्टिव हो, क्योंकि आपको ओटीपी आएगा और ओटीपी यहाँ पे सबमिट करना रहेगा।
तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जितने भी डिटेल्स है वो फिल कर लेता हूँ, फिर हम लोग ओटीपी पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे मैंने सारी की सारी डिटेल्स जो है वो फिल कर दी है। और यहाँ पे एक चीज का आप जरूर ध्यान रखना, नाम जो है वो प्रॉपर लिखना। आपके जो मार्कशीट में नाम होगा ना ट्वेल्थ की, या तो आपको जो हॉल टिकट होगी उसमें जो नाम होगा वो लिखना, और एज वेल एज आपका ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, सारी चीजें करेक्ट लिखना, क्योंकि बाद में जाके ना इसको करेक्ट करने में बहुत दिक्कतें आती है। तो हम यहाँ पे गेट ओटीपी पे क्लिक करते हैं। जैसे ही ओटीपी पे क्लिक करेंगे यहाँ पे लिखा आ जाएगा ओटीपी सेंड सक्सेसफुली टू योर मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी। तो यहाँ पे हम ओके पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आपको अब ओटीपी डालना होगा मोबाइल नंबर का एज वेल एज आपकी ईमेल आईडी का, और यहाँ पे जो कैप्चा कोड है ना वो एज इट इज लिखना है, देन आफ्टर आपको सबमिट पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे लिखा आ जाएगा कि यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड फॉर एडमिशन। ओके पे आपको क्लिक करना है। देन आफ्टर आपके जो मैसेज पे एज वेल एज ईमेल आईडी पे आपको ना मैसेज आ जाएगा आपके यूजर आईडी और पासवर्ड का, तो वो यूजर आईडी और पासवर्ड आपको यहाँ फिल करना है। देन आफ्टर आपको कैप्चा कोड डालना रहेगा। जैसे ही मैंने यहाँ पे आईडी और पासवर्ड डाल दिया, कैप्चा कोड डाल दिया, फिर मैं यहाँ पे साइन इन पे क्लिक करूंगा। तो साइन इन पे क्लिक करते ही हमारे यहाँ पे थोड़ा लोड होगा और यहाँ पे पूरा आपका पोर्टल यानी कि डैशबोर्ड जो है वो ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे जो डैशबोर्ड ओपन होते ही आपको यहाँ पे एप्लीकेंट इन्फॉर्मेशन आ जाएगी और एप्लीकेंट स्टेटस आ जाएगा। अब एप्लीकेंट स्टेटस के अंदर यहाँ पे एप्लीकेंट स्टेटस में एक तो आएगा एप्लीकेशन फाइनल सबमिशन पेंडिंग, फिर पेमेंट स्टेटस भी आएगा पेंडिंग, कि अभी कोई पेंडिंग मतलब पेमेंट नहीं किया है, और वेरिफिकेशन भी पेंडिंग आएगा। मतलब ये जो तीन स्टेप्स है ना वो फर्दर आएंगे, फर्दर एडमिशन प्रोसेस जब आगे बढ़ेगी तब आएंगे। अच्छा, ये मैं बात सिर्फ गुजरात यूनिवर्सिटी की नहीं करना, आप कोई भी यूनिवर्सिटी में हो, कोई भी कोर्स करना चाहते हो, सभी के लिए प्रोसेस कॉमन रहती है। तो आप सभी लोग को मैं ये इंफॉर्मेशन दे दूं कि अभी आप टेंशन मत लेना, ये सारी चीजों में पेंडिंग लिखा हुआ ही आएगा। फिर आगे हम लोग बात करें तो नीचे भी आप लोग को एक हेल्प सेंटर की लिस्ट और यूनिवर्सिटी वाइज प्रोग्राम लिस्ट देखने को मिलेगी, यानी कि जो यूनिवर्सिटी है कौन सी यूनिवर्सिटी में कौन सा प्रोग्राम चल रहा है, एज वेल एज आपको यहाँ पे प्रोग्राम वाइज यूनिवर्सिटी कॉलेज की लिस्ट भी देखने को मिलेगी। जैसे ही आप क्लिक हियर करोगे वैसे ही आपका अलग अलग कॉलेज की लिस्ट जो है पीडीएफ जो है वो आपके कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल के अंदर डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, जैसे मैं आपको बता देता हूँ ये यूनिवर्सिटी वाइज लिस्ट डाउनलोड हो चुकी है। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखो अलग अलग यूनिवर्सिटीज की मेरे पास लिस्ट आ जाएगी, बैचलर ऑफ एजुकेशन है, कहाँ पे बैचलर ऑफ कॉमर्स हो रहा है, इस तरह से पूरा डिटेल की लिस्ट आ जाएगी। और ये जो पूरा प्रोसेस है ना वो गुजरात कॉमन एडमिशन सर्विसेज के द्वारा चलाया गया है। तो यूनिवर्सिटी वाइज प्रोग्राम लिस्ट यहाँ पे आ चुकी है कि कौन सी यूनिवर्सिटी में कौन सा प्रोग्राम होता है, कौन सी कॉलेजेस है, वो पूरा डिटेल में आपको मिल जाएगा। थोड़े से आप डिटेल में आप पढ़ोगे तो आपको पूरा इसके बारे में नॉलेज भी आ जाएगा। जैसे आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, ये भक्ता कविराज नरसिंह मेहता यूनिवर्सिटी है, ठीक है। तो यहाँ पे पोस्ट बेसिक बैचलर ऑफ साइंस यानी नर्सिंग का कोई कोर्स है जिसमें कॉलेज का नेम क्या है, ये कॉलेज का नेम है। फिर उस कॉलेज के अंदर ये सारे कोर्सेज करवाए जाते हैं, बीकॉम है, बीए है, साइंस है, बीएससी जिसको हम कहेंगे, बैचलर ऑफ सोशल वर्क है, इस तरह से। फिर उसी यूनिवर्सिटी में दूसरी कॉलेज है जिसका नाम है आर्ट्स एंड कॉमर्स एंड कंप्यूटर साइंस कॉलेज मानवदार, ठीक है, इस तरह से। फिर वो कहाँ पे आई एड्रेस होगा, फिर उस कॉलेज का कॉन्टैक्ट नंबर होगा, उस कॉलेज का कोड होगा, उस कॉलेज का फिर कौन सी उस कॉलेज में कौन से कोर्स करवाए जाते हैं वो होगा। तो इस तरह से हर एक लिस्ट प्रॉपर तरीके से देके रखिए, आप थोड़ा सा देखोगे तो आपको बहुत बड़ा हेल्पफुल रहेगा ये, ठीक है। हर एक यूनिवर्सिटी की यहाँ पे डिटेल्स देके रखी है, तो बहुत बड़ी लिस्ट है, आप देख सकते हो 357 पेजेस है। तो इस तरह से मैंने आपको बताया, और यहाँ पे आपने ना क्विक रजिस्ट्रेशन कर दिया। अब यहाँ पे जो क्विक रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रोसेस है ना वो कंप्लीट होती है, तो आप लोग को मैंने ये पूरा डिटेल दे दिया। अब यहाँ पे जाके आप लॉग आउट जरूर कर देना जिस भी मोबाइल या लैपटॉप में कर रहे हो, क्योंकि बहुत सी बार क्या होता है कि सेशन कंप्लीट हो जाता है, कहीं ऑलरेडी लॉग इन हो तो दूसरे में ओपन नहीं होगा, इसलिए लॉग आउट जरूर करना, ठीक है। अब मैं आपको एक स्टेप वाइज रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बता देता हूँ क्या है। तो देखो, सबसे पहले आपको क्विक रजिस्ट्रेशन करना होगा, जो आपने कर लिया अभी, मैंने जो पूरा वीडियो में बताया वो क्विक रजिस्ट्रेशन किया। देन आफ्टर रिजल्ट आने के बाद आपका प्रोफाइल क्रिएशन होगा, उसके ऊपर भी वीडियो लाएंगे। देन आफ्टर एकेडमिक डिटेल्स कैसे फिल करनी है वो लाएंगे, फिर चॉइस सिलेक्शन कैसे करना है, एप्लीकेशन पेमेंट कैसे करना है, आपका एप्लीकेशन प्रीव्यू कैसे करना है, फाइनल सबमिट कैसे करना है, हर एक चीज का हम डिटेल में एक वीडियो लाएंगे। तो आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और दूसरी चीज कि आपको कोई भी जगह पे, मतलब मैं ऐसा नहीं कहूंगा आपको कोई यूनिवर्सिटी जाने की जरूरत नहीं है, ना ही आपको कोई तरह के साइबर कैफे में जाने की जरूरत है, आप अपने मोबाइल से इजीली पूरा फॉर्म फिल कर सकते हो, और इसके बहुत इजी स्टेप्स हैं। और अगर आपको कहीं पे भी दिक्कत आती है तो आप हमारा कांटेक्ट भी कर सकते हो, तो हम आपको उसमें हेल्प करेंगे, ठीक है। हमारी जो कांटेक्ट डिटेल्स है वो डिस्क्रिप्शन में देके रखा है, हमारा व्हाट्सएप नंबर
नंबर। और एक और चीज आप सबको बता दूं कि यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है, क्या क्या, कि आपके पास ईमेल आईडी मोबाइल नंबर एक्टिव होना चाहिए पहला, दूसरा है कि आपके पास एक ही रजिस्टर्ड ईमेल आईडी होना चाहिए, बार बार बदलना नहीं है, आपके पास लेटेस्ट फोटो रखना है आपको जो 50 KB के अंदर होगा, फिर मतलब ये सारे डॉक्यूमेंट्स है जो जरूरत पड़ेगी आगे जब आप लोग का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू होगा ना उस टाइम पे, देन आफ्टर आपका जो डॉक्यूमेंट्स है कोई भी वो 200 KB मैक्सिमम साइज होनी चाहिए, उससे कम में होना चाहिए, जिसमें लेटेस्ट मार्कशीट आ जाएगी जब आपका रिजल्ट आ जाएगा तब, फिर आपका स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट LCM कहेंगे, अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट है तो मतलब जनरल वालों के लिए तो कास्ट सर्टिफिकेट नहीं होता, बट अगर आप EWS में हो, SC में हो, ST में हो, OBC में हो तो कास्ट सर्टिफिकेट जरूर बनवा देना अगर अभी तक नहीं बनवाया है तो, फिर नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट जो सिर्फ ओबीसी वालों को लगता है जिसको SCBC हम लोग कह सकते हैं, नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट भी बनवा देना ओबीसी के स्टूडेंट्स, देन आफ्टर अगर मान लो आप लोग मतलब डिफरेंशियल एबल्ड पर्सन हो, मतलब कि अपंग या ऐसा कुछ भी है तो उसका भी एक सर्टिफिकेट आता है वो भी बनवा लेना, इकोनॉमिक वीक सेक्शन का सर्टिफिकेट होता है वो भी बनवा लेना, और डोमिसाइल अगर जरूरत पड़े तो ये सारे सर्टिफिकेट्स की जरूरत रहेगी जब अपनी पूरी प्रोसेस जो है वो शुरू होगी तब, और नीचे गुजराती में ही ये इन्फॉर्मेशन दे के रखी है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये पूरा वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल रहा होगा, और ऐसे वीडियोज देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।